So today we are going to start our new topic, Q factor, or you can say sharpness of resonance. ठीक है, देखिए sharpness of resonance और Q factor इसलिए पढ़ने की जरूरत है, Q factor को हम बोलते हैं quality factor. For example, अगर आपसे ये बोलता हूं कि आपको एक रेडियो खरीदना है और आप एक दुकान पर गए, ठीक है, मार्केट गए और दुकान पर गए वहां पर, और वहां जाकर आपने शॉपकीपर से एक अच्छा रेडियो डिमांड किया, और मान लीजिए कि अगर आप उसको बोलते हैं कि मेरे को एक बहुत अच्छा रेडियो जो उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो मतलब उसमें आवाज भी बहुत अच्छी सुनाई दे, एक ऐसा मेरे को रेडियो आप दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो आपको 3-4 रेडियो उठाकर निकाल कर रख देगा आपके सामने, जिसकी कॉस्ट वो बोलेगा एक 1000 का, एक 2000 का, एक 3000 का और एक 4000 का. अब सोचने की बात यह है कि ऐसा 4000 में क्या है जो 1000 वाले में नहीं है. ठीक है, तो वो होता है क्यू फैक्टर. ठीक है, क्यू फैक्टर बेसिकली ये बताता है कि आपका जो रेजोनेंस हो रहा है वो कितना शार्प हो रहा है. जितना ज्यादा शार्प आपका रेजोनेंस होता चला जाएगा, उतना ही ज्यादा अच्छा आपका क्यू फैक्टर हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर. यानी जिस रेडियो का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा वो रेजोनेंस बहुत अच्छा करेगा, और रेजोनेंस अगर अच्छा होगा यानी नैरो होगा, ठीक है, शार्प होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि वहां पर क्यू फैक्टर की वैल्यू हाई होगी और उस पर्टिकुलर रेडियो की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होगी. ठीक है, इसको देखो मैं आपको समझा सकता हूँ किस तरीके से आप समझ सकते हैं. जैसे कि शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस का यहाँ पर क्या मतलब है कि मान लीजिए एक ग्राफ में अगर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से दिस इज योर ग्राफ. ठीक है, तो लेट्स से दिस इज आई, दिस इज ओमेगा. ठीक है, दिस इज ओरिजिन. तो अगर मैं ये बोलता हूं कि करंट और ओमेगा के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ आपको इस तरीके का मिले, लाइक दिस. ठीक, कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिले. तो अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जितना ज्यादा नैरो होता जाएगा, ये ग्राफ यहां से जितना ज्यादा नैरो होता जाएगा, पतला होता जाएगा, उतना ज्यादा शार्प होता जा रहा है. इसका मतलब क्यू फैक्टर की वैल्यू बढ़ती जा रही है. ठीक है, तो अगर मैं यहां पर आपको शो करके दिखाऊं कि फॉर एग्जाम्पल लेट से इफ आई से रेजोनेंस जो होगा, वी नो दैट हाईएस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा विच इज आई नॉट. ठीक है, यहां पर आपको आई नॉट मिलेगा. और अगर मैं नीचे आऊंगा तो यहां जहां यह स्ट्राइक करेगा तो दिस विल गिव यू ओमेगा आर, दिस विल गिव यू ओमेगा आर, एंड हियर ओमेगा आर इज योर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी. रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी यानी ये रेजोनेंस का पॉइंट है. देखो रेजोनेंस पर ही तो मैक्सिमम करंट फ्लो करता है, एंड आई नॉट इज मैक्सिमम करंट. तो कल मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं भी किसी भी आरएलसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस होता है तो इम्पीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, तो आई नॉट विल बी मैक्सिमम. ठीक है, तो ये इस कर्व का हाईएस्ट पॉइंट होगा, दिस इज द रेजोनेंस पॉइंट. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि फॉर अ गिवन, सिर्फ इस मैक्सिमम को छोड़कर किसी भी पॉइंट पर, लेट से मैं यहां पर अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एक आई वन करेंट की बात करता हूँ, तो वहां अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है इस कर्व को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो पार्ट पे टच करती है, एक इस वाले पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर. ठीक है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो देन यू विल गेट टू फ्रीक्वेंसीज फॉर सेम करेंट, यू विल गेट टू फ्रीक्वेंसीज फॉर सेम करेंट, एंड लेट से दिस इज ओमेगा वन एंड लेट से दिस इज ओमेगा टू. आपको ओमेगा वन मिलेगा एंड ओमेगा टू.
अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेड एफएम है, अब रेड एफएम की अगर हम बात करते हैं तो रेड एफएम 93.5 मेगाहर्ट्ज पर अपनी फ्रीक्वेंसीज को भेजता है। हम क्या करते हैं कि जो हमारा रेडियो है उसको ट्यून करते हैं, ठीक है, अपने रेडियो को हम क्या करते हैं, ट्यून करते हैं, और ट्यून करने के बाद उसको भी हम सेट कर देते हैं किस पर, 93.5 मेगाहर्ट्ज पर, ठीक है। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के साथ मैच करती है तो वहां पे रेजोनेंस होता है और हाई करंट फ्लो करता है। ये कंडीशन होगी आपकी जो ए पोजीशन की कंडीशन है, ठीक है, रेजोनेंस कंडीशन। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलता हूं कि क्या आपको 93.45 पर सुनाई नहीं देगा, क्या आपको थोड़ी थोड़ी आवाज आनी शुरू नहीं हो जाती, ठीक है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बट क्या आपको सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल सुनाई देगा। क्या आपको 93.55 पर सुनाई नहीं देगा, आपको तब भी सुनाई देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 93.5 तो एक रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है विच इज ओमेगा, 93.45 जो है वो ओमेगा वन हो जाएगा और ये 93.55 जो जाएगा ओमेगा टू हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी सेम होगी बिकॉज सेम करंट फ्लो कर रहा है। आप देखो ग्राफ में भी आपको नजर आ रहा है बिकॉज बोथ हैविंग सेम करंट आई वन, ओमेगा वन के लिए भी और ओमेगा टू के लिए करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, आई वन। तो क्योंकि सर्किट के अंदर सेम करंट फ्लो कर रहा है सो यू आर गेटिंग द सेम क्वालिटी ऑफ ऑडियो, सेम क्वालिटी आपको मिल रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्यू फैक्टर और शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को समझ सकते हैं। जितना ज्यादा मेरा ये कर्व शार्प होता जाएगा यानी कि पतला होता चला जाएगा उतना ज्यादा मेरा रेजोनेंस अच्छा होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो ओमेगा वन और ओमेगा टू के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है बीच में ओमेगा वन एंड ओमेगा टू के बीच का डिस्टेंस, अब तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। दिस इज नोन एज बैंडविड्थ, ठीक है। और बैंडविड्थ को आप निकाल सकते हैं कैसे, डेल्टा ओमेगा, यू कैन राइट डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इज इक्वल टू बैंडविड्थ, ठीक है। तो इस कर्व में ये बैंडविड्थ हो जाएगा, ठीक है। सो फाइनली क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर इज बेसिकली एक तरीके का एक हम ये कह सकते हैं कि एक फैक्टर है जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, उसमें रेजोनेंस की क्वालिटी कैसी है, रेजोनेंस अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो डेफिनेशन कैन बी रिटन एज, हम इसको डिफाइन कर सकते दैट इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, क्यू फैक्टर। सो बेसिकली क्यू फैक्टर is equal to potential drop across inductor or you can write capacitor divided by voltage across resistor. तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ that is VL की जगह मैं लिख सकता हूँ VL over ये VR यहाँ पर लिखते हैं तो VL हो जाएगा मेरे पास that is I naught into XL over और VR हो जाएगा I naught into R
आई नॉट से आई नॉट कैंसिल, तो फाइनली क्यू फैक्टर इज इक्वल टू एक्स एल, सो एक्स एल हो जाएगा मेरे पास ओमेगा एल ओवर आर, सो फाइनली दिस इज योर रिजल्ट। अब सेम चीज आप कैपेसिटर को लेकर भी कर सकते हैं, तो वो कैपेसिटर के थ्रू आपके पास क्यू फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यू फैक्टर, ठीक है। नाउ इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, बिकॉज ऊपर भी वोल्टेज है नीचे भी वोल्टेज है, सो इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। ये नोट डाउन करने वाली बात है दैट इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि लेट से कुछ इस तरीके का, मान लीजिए कि एक कर्व और यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। सच दैट लेट से दिस इज लेट से आर वन एंड दिस इज आर टू, ओके। एक आर वन है और एक आर टू है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था, दो कर्व आपको इस तरीके से आई और ओमेगा के बीच में बनाए हुए थे, और आई और ओमेगा के बीच में आपको दो कर्व दे रखे थे आर वन एंड आर टू, और आपसे पूछा गया था कि आर वन और आर टू में से बड़ा कौन सा होगा, आर वन आर टू से बड़ा होगा या आर टू आर वन से बड़ा होगा या दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्वेश्चन ये आया था, ये ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, 2020, ठीक है। तो करने का तरीका बहुत सिंपल है, कैसे देखिए, सबका मैक्सिमम देख लीजिए, इसका मैक्सिमम यहां पर है, इसका मैक्सिमम यहां पर। अब ऑब्वियस सी बात है, ये बात हमें ऑलरेडी नोन है दैट करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होता है जेड इंपेडेंस, क्योंकि मैक्सिमम करंट फ्लो करता है तो जेड जो है वो बराबर हो जाएगा आर के, यानी कि जिसका करंट की वैल्यू कम होगी उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। अब आप चेक कर लो, करंट की वैल्यू आर वन की यहां पर लाई करती है दिस वन, ठीक है, और आर टू की जो है वो यहां पर लाई करती है। तो ये तो बात साफ साफ नजर आ रहा है कि आर वन में करंट कम फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस पर्टिकुलर केस में आंसर हो जाएगा दैट आर वन इज ग्रेटर देन आर टू, ठीक है। चलिए बताइए, एनी डाउट?